नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर क्या है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। और कल हमने पढ़ा था कंप्यूटर क्या है और इसके लाभ तथा हानि में बताएं। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं जो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, तथा कंप्यूटर जो बेसिक कंप्यूटर ऑनलाइन सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मानव जीवन में हमारा जो कंप्यूटर है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज हम बात करें आधुनिक युग की। आधुनिक युग से हमारा अभिप्राय है 2022 तक का हम बात करते हैं। मानव जीवन के में बहुत सारे बदलाव किए जा चुके हैं। इन बदलावों के साथ साथ हमें देश दुनिया की जो खबरें हम थी पल भर में कंप्यूटर के या इंटरनेट के माध्यम से हमें बहुत ही समय मिल जाएंगी। और इसी के साथ हम बात एम्प्लॉयमेंट की हम बात करते हैं, रोज़गार की हम बात करें, नए अवसर भी कंप्यूटर के माध्यम से मिलते हैं। स्कूलों में कंप्यूटर के द्वारा बच्चों को विभिन्न प्रकार की जो जानकारियां हैं, नॉलेज हैं, या अस्पताल में मरीजों के नाम, पते, एड्रेस, या खिलाड़ियों के लिए उनका वेट कैटेगरी है, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 जो कैटेगरी हुए हैं, सीनियर नेशनल्स वगैरह, इसमें सभी का प्रयोग किया जाता है। तो सामान्य तौर पर ये देखा जाता है कि कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। हिंदी विद्या के जो छात्र हैं हमारे, उनके लिए हम बात करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशन्स की। एजुकेशन्स में कंप्यूटर की हम बात करें, एजुकेशन शिक्षा एक बहुत बड़ा विभाग है, एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, जिसके हम अंदर हम बात करते हैं कि कंप्यूटर का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। शिक्षा एजुकेशन विभाग की हम बात करते हैं, जैसे किसी यूनिवर्सिटी या स्टेट के बोर्ड्स के द्वारा एग्ज़ाम का गठन किया जाता है, वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, उन सभी प्रकार का रिजल्ट तैयार करना, विद्यार्थियों की डीएमसी तैयार करना, या यूँ कहें उनकी सीटिंग प्लान्स या अरेंजमेंट करना, या आंसर की कोड मैच करना, ये सभी प्रकार के जो कार्य हैं शिक्षा विभाग के द्वारा किए जाते हैं। शिक्षा विभाग एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है कंप्यूटर्स में। आज हम बात करेंगे, जैसे हम बात करें कि शिक्षा के साथ साथ हम सारे शिक्षा की हम बात करें, सारे शिक्षा जब हम गेम वगैरह करवाते हैं तो उसमें क्या होता है कि सभी विद्यार्थी जो होते हैं उनकी की एज ग्रुप है, उसका वेट है, उसके पेरेंट्स हैं, जैसे हम बात करें सभी इसके अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगला जो हमारा डिपार्टमेंट आएगा मौसम विभाग से हम बात करेंगे। अगला हम बात करें कि मौसम विभाग में, जैसे हम बात करते हैं कि जैसे अभी हाल ही में सुनामी वगैरह आती है, जो समुंदर से पता चलता सुनामी है, और सुनामी के साथ समुद्री जो लहरें हैं, ज्वाला भाटा समुद्र में आती है, या यूँ कहें कि विभिन्न प्रकार के जो देश होते हैं जहाँ एक बाउंडर होता है, जो पानी में तेज आते हैं, बहाव आते हैं, ये हमारे जो मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक हैं, या यूँ कहें ज्वालामुखी फटना वगैरह, सभी जानकारी हमें कंप्यूटर के माध्यम से मौसम विभाग के द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए सैटेलाइट से हमें प्राप्त होते हैं। सैटेलाइट से जो मैसेज हमें प्राप्त होते हैं वे क्या होते हैं, वे हमें समय समय पर अच्छी जानकारी देते हैं, जिसके के माध्यम से हमें सभी प्रकार की जो सूचनाएँ हैं वे हमें मिल जाती हैं। यूँ कहें कंप्यूटर एक विषय में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आज हम कहें कंप्यूटर का युग भी माना गया है। नेक्स्ट का जो हमारा अगला जो ऑप्शन रहेगा कि कौन सा विभाग में आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगला विभाग हमारा फिल्म इंडस्ट्री से हमारा अभिप्राय है, किसी फिल्म को हाई रेपो रेटिंग बनाना है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री को में कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है, जैसे फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल फिल्म वगैरह, इंटरनेशनल फिल्म फेयर्स वगैरह जो अनाउंस वगैरह होते हैं, तो उनके क्या होता है कि जो हीरो एक्ट्रेस हैं, हीरोइंस वगैरह एक्ट्रेस होती हैं और एक्टर होते हैं, उनके विभिन्न प्रकार के जो आईफा अवार्ड है या आईकॉन्स अवार्ड है, फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित है, कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैंकिंग के क्षेत्र में, सारा लेन देन सारा डिपेंड करता है कंप्यूटर के ऊपर ही डिपेंड करता है। किस प्रकार हम लेन देन करते हैं बैंकिंग का, कस्टमर्स का नेम वगैरह, आईडी वगैरह, जैसे हम बात करते हैं बैंक अकाउंट को पैन कार्ड से जोड़ना, आधार कार्ड से जोड़ना या लिंक करना, या हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट में, जैसे हम इंडिया में रहते हैं, हम जब यूएस से हमें कनाडा, जर्मनी, जापान जाते हैं तो इंटरनेशनल से वहाँ की ट्रेडिंग्स वगैरह करते हैं, या यू कहें इंटरनेट के माध्यम से विदेशों से भी किसी चीज़ कोई चीज़ ऑनलाइन वगैरह मंगवानी तो कंप्यूटर के माध्यम से ही हमें प्राप्त हो जाती है। यूँ कहीं समय समय पर विभिन्न प्रकार की जो जानकारियाँ हैं वे कंप्यूटर के माध्यम से हमें मिली हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं विज्ञान के क्षेत्र में। विज्ञान ने मानव जीवन को सरल बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के मेडिसिन तैयार किए हैं। कुछ इक्विपमेंट है या युग हैं और इसकी विज्ञान के जो क्षेत्र में जो वही वृद्धि हुई है या ये सूचना एकत्रित हुई हैं उसमें विज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। जैसे हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार की जो पनडुब्बी वगैरह हैं या रिसर्च डिफेंस से संबंधित रक्षा मंत्रालय से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो सूचनाएँ हैं कंप्यूटर के माध्यम से और इसने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत तरक्की हुई है। इंडस्ट्री से हम बात करते हैं, जैसे हम बात उद्योग की हम बात करते हैं तो इसमें क्या उद्योग में क्या होता है कि जब जो कर्मचारी होते हैं कर्मचारियों का जैसे कर्म है ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप सी और डी होते हैं। सी में सी डी बी ए का जो कर्मचारियों का बायोडाटा लिखना होता है, उसकी जो सैलरीज वगैरह हैं उससे संबंधित जितने भी कार्य होते हैं सभी इसी में आते हैं। किस में आते हैं ये सभी कार्य इसमें होते हैं जो औद्योगिक संबंधित। नेक्स्ट हम ट्रांसपोर्टेशन से हम बात करें, जैसे हमें कहीं जाना हो तो हम बाई एयर बाई ट्रेन जाते हैं तो हम घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर के माध्यम से क्या करेंगे अपनी टिकट वगैरह बुक कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा या जैसे हम रेलवे की टिकट बुक करना है, एयरलाइन की बुक करना या बस बुकिंग होती है वो उसके माध्यम से हम इसमें जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें फैशन डिज़ाइन में कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है। सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा हमारा जो टॉपिक मेन टॉपिक है वे हमारा सूचना आई सी टी कम्युनिकेशन। इसमें क्या होगा इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित जो जानकारी है वो हमारी बहुत ही जल्दी प्राप्त हो जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए एक देश से दूसरे देश की हम बात करें सूचनाओं का आदान प्रदान कंप्यूटर के माध्यम से किया जा सकता है। अगला जो टॉपिक रहेगा इसके अंदर सूचनाओं को करने के बाद जो मेन रहेगा कि जैसे हम खेलों का प्रसारण कर, जैसे हम ओलंपिक खेलों की बात करते हैं तो ओलंपिक्स में विभिन्न जो देश हैं जैसे हम बात करें लगभग 202 देश मान लेते हैं एक फॉर एग्जांपल्स, इसमें विभिन्न देशों की जानकारी आप वहीं बैठे ओलंपिक कमेटी को अपने अपने देश से सूचना भेज देते हैं और खिलाड़ी को भेजना कितने खिलाड़ी भेजने हैं कितने क्वालिफाई करते हैं इन सभी का डाटा कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के पास होता है और ये सारी सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं खेल के संबंध में। खेल के क्षेत्र में कंप्यूटरों का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है और यूँ कहें कि खेल सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर ही रोल होता है जो विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को एकत्रित करता है। खेल के में जो स्कूल टूर्नामेंट वगैरह हम बात करते हैं स्टेट लेवल के या डिस्ट्रिक्ट, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल के उसके बाद स्टेट लेवल के उसके बाद नेशनल है उसके बाद इंटरनेशनल है सभी सूचनाएं हम खेल के माध्यम से भी कंप्यूटर के माध्यम से हमें खेल की प्राप्त होती हैं। और इसी प्रकार विदेशों में हम बच्चों को कोचिंग से वगैरह करवाते हैं तो ये सारे डिपेंड भी इसी के अंदर करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि खेलों के साथ साथ इसमें विभिन्न प्रकार की जो प्रोसेस होते हैं वो किस प्रकार हम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें कंप्यूटर्स में यू कहें सबसे इम्पोर्टेंट जो रहेगा कि वे जो फाइल्स वगैरह होती हैं हमारी इन फाइल जैसे इंटरफेस किसी कंप्यूटर इंटरफेस वगैरह होता है और इस इंटरफेस के माध्यम से हम आपको जानकारी दें। जैसे हमारी ये डेस्कटॉप है, इस डेस्कटॉप के ऊपर कंप्यूटर की जो मेन साइट होती है और इस प्रकार ये प्रोसेस चलती रहती है और कंप्यूटर आपका ऐसे ही प्रक्रिया आपको दिखाई देता है। इसमें आज हम निर्देश के बारे में पढ़ेंगे, कल हमने पढ़ा था और कहाँ का प्रयोग होता है इसके बारे में डिस्कस किया है। इसी के साथ साथ हम इसमें किस प्रकार से जो मेन टॉपिक रहेगा उसमें हम जो कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।